गाइज, मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ कि अगर आपने एक बार भी ये वाला हेयर ऑयल जो आगे वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ उसको अगर आपने एक बार भी यूज़ कर लिया ना, आप मुझे बहुत सारा थैंक यू बोलेंगे और आप ना मुझसे नाराज़ भी हो जाएंगे। क्यों? आप लोग बोलेंगे कि ना अब तक आपने ये वाला ऑयल हमारे साथ क्यों नहीं शेयर किया था। गाइज, आपको कोई सा भी हेयर प्रॉब्लम है, लाइक आपको हेयर फॉल हो रहा है, आपको डैंड्रफ हो गया है, आपका हेयर ग्रोथ ना स्टॉप हो गया है, आपके बालों ने बढ़ना बंद कर दिया है, आपके हेयर काफ़ी ड्राई ड्राई से रहते हैं, फ्रिजी रहते हैं, आपके बालों में ना बाउंस नहीं है, चिपकू चिपकू से आपके बाल रहते हैं, अच्छे नहीं लगते हैं, कोई सा भी हेयर प्रॉब्लम अगर आपको है तो आज का वीडियो आप ज़रूर देखिए। आज का वीडियो आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। गाइज, आप देख रहे हैं गर्ल्स टॉक विद शिवी और मैं हूं शिवी। गाइज, इस चैनल पे मैं आपके साथ शेयर करती हूँ हेयर केयर, स्किन केयर, DIY, ब्यूटी टिप्स और बहुत सारी अमेजिंग गर्ल्स टॉक रिलेटेड वीडियोस। अगर आपको भी इस तरीके की वीडियोस देखना अच्छा लगता है ना, या फिर आपको अपने बालों से, अपनी स्किन से प्यार है, तो डेफिनेटली आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मैं आपके साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आती रहती हूँ। ठीक है, सो गाइस, आज टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताती हूँ कौन सा वो ऑयल है जो आपके लिए मैजिक होने वाला है। ट्रस्ट मी गाइस, पता है क्या आप लोग को लग रहा होगा कि ना सोशल मीडिया पे सब ऐसे ही बोलते हैं कि एक बार ये ऑयल लगा लीजिए, ये हो जाएगा, ये कर लीजिए, वो हो जाएगा। नहीं गाइस, ट्रस्ट मी, अगर आप एक बार ये ऑयल लगाएंगे ना, तो आप लगाने के बाद ही आप मैजिक देखिएगा। मैं आपको कितना भी बोलूँ ना, आपको यकीन नहीं होने वाला है। ठीक है, सो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, ये देखिए, ये है वो हेयर ऑयल जिसको मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ। लगभग मुझे 2 to 3 years हो चुके हैं इसको यूज़ करते हुए। बीच बीच में मैं कोई और भी ऑयल, जैसे मैं आपके साथ कई सारे ऑयल शेयर करती रहती हूँ, तो वो भी यूज़ कर लेती हूँ, लेकिन मेरा मोस्ट फेवरेट है ये वाला हेयर ऑयल। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तो कई सारे ऑयल हैं, इसमें से कौन सा मेरा फेवरेट है, तो वो ना आप वीडियो आगे देखिए, आपको पता चल जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो ऑयल है जो मैं आपको आगे बताने वाली हूँ, ये गर्ल्स, बॉयज़, मैन, वुमेन, बच्चे, बड़े, बूढ़े सब यूज़ कर सकते हैं। और पता है क्या गाइस, मैंने ये कई लोगों को रेकमेंड किया है, यहाँ तक कि मेरा भाई जिसको बहुत सीवियर वाला हेयर फॉल हो रहा था। और ट्रस्ट मी गाइस, अगर मेरे पास ना उसका चैट का स्क्रीनशॉट होगा तो मैं डाल दूंगी, उसका मुझे मैसेज आया था कि प्लीज़ हेल्प मी। सच में गाइस, तो मैंने उसको ये वाले ऑयल रिकमेंड किए और सच्ची में उसको इन ऑयल को लगाने से फ़ायदा हुआ है। और पता है क्या, मैं किसी को रिकमेंड करती हूँ, कोई यूज़ करता है, उसको इससे फ़ायदा होता है, तो मेरा ट्रस्ट इस ऑयल के ऊपर और भी ज़्यादा हो जाता है। गाइस, एक चीज़ ना मैं यहाँ पे और क्लियर करना चाहूँगी कि ना आप कितना भी महंगा शैम्पू, कितना भी महंगा कंडीशनर, हेयर सीरम, हेयर मास्क कुछ भी लगा लीजिए, लेकिन जो रियल वाला पोषण होता है ना, वो आपके बालों को मिलता है ऑयल से। तो आप ना ऑयल पे ज़्यादा फोकस किया कीजिए, बजाय शैम्पू, कंडीशनर, सीरम, इन चीज़ों की जगह ना आप ऑयल पे अगर फोकस करेंगे तो आपको हेयर फॉल होगा ही नहीं। आपको एक ऐसे हेयर ऑयल का यूज़ करना चाहिए जिसमें ढेर सारे पोषक तत्व हो, जो आपकी स्कैल्प को और आपके हेयर लेंथ को अच्छे से प्रोटेक्ट कर सके। गाइस देखिए, अगर आपके बालों को अच्छा पोषण मिलेगा ना, तो वो बढ़ेंगे भी बहुत जल्दी और झड़ेंगे भी नहीं। ठीक है, ये दो चीज़ें आपको हमेशा ध्यान रखनी है। सो आपको ये वाला ऑयल यूज़ करना है अगर आप नहीं चाहते हैं कि आपके बाल झड़ें, और आप चाहते हैं कि आपके बाल दुगनी तेजी से बढ़ें, तो ये वाला ऑयल आपको यूज़ करना है। ठीक है, तो अभी हम देख लेते हैं कौन सा ऑयल है, कैसे यूज़ करना है, क्या प्राइस है, सब कुछ मैं आपको बताती हूँ इन डिटेल इन ऑयल्स के बारे में। यहाँ पे मेरे पास हैं 4 types ऑयल जिससे हम मैजिकल हेयर ऑयल बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मेरे पास है पतंजलि का कोकोनट ऑयल, उसके बाद मेरे पास है रेका कैस्टर ऑयल, और ये है ऑलिव ऑयल जो कि फिगारो का है, ट्रस्टेड ब्रांड है। गाइस, ये सारे ब्रांड जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, ये ट्रस्टेड ब्रांड है। और ये है रोगन बादाम शीरीन आलमंड ऑयल। गाइस देखिए, मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि ना आप ऐसे ही कोई भी लोकल ऑयल मत लीजिए, जो रियल ऑयल होते हैं वो थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन उनके बेनिफिट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। आपने कोई भी लोकल ऑयल ले लिया, कम प्राइस में आपको मिल गया, लेकिन उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। ठीक है, तो आपको ना थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट ऑयल्स पे करना ही होगा अगर आप चाहते हैं एक अच्छा हेयर, आप चाहते हैं कि आपके लंबे, काले, घने, सुंदर बाल हो ना, तो आपको थोड़े से पैसे खर्च करने पड़ेंगे।
तो चलिए गाइज, अभी हम इन सारे ऑयल्स की हेल्प से मैजिकल हेयर ऑयल प्रिपेयर करते हैं और देखते हैं कैसे आपने ये मैजिकल ऑयल प्रिपेयर करना है। सो गाइज, ये ऑयल प्रिपेयर करने के लिए आपने एक खाली बाउल लेना है। उसके बाद आपको इसमें डालना है 2 टीस्पून कोकोनट ऑयल। गाइज, अगर आपके पास कोकोनट ऑयल अवेलेबल नहीं है या फिर अगर आप यूज़ करना नहीं चाहते हैं, आपके लिए सूटेबल नहीं है, वैसे तो ना ऑल स्किन टाइप के लिए, ऑल हेयर टाइप के लिए होता है, लेकिन फिर भी अगर आप किसी भी रीज़न से यूज़ करना नहीं चाहते हैं तो आप मस्टर्ड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, फिर आपने क्या करना है, 2 टीस्पून आपने कोकोनट ऑयल या मस्टर्ड ऑयल ले लिया। उसके बाद आपने 1 टीस्पून इसमें ऐड करना है ऑलिव ऑयल। देन आपको इसमें ऐड करना है 1 टीस्पून आलमंड ऑयल। नेक्स्ट आपको इसमें ऐड करना है 1 टीस्पून कैस्टर ऑयल। ओके, ये सारे ऑयल आपने मिक्स कर लेने हैं। फिर आपको अगर बहुत सीवियर वाला हेयर फॉल है, आपके बाल बहुत ज़्यादा रूखे सूखे बेजान हो गए हैं, तो आपको इसमें ऐड करना है 1 विटामिन ई का कैप्सूल। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। सो फिर आपने क्या करना है, आपने जाना है किचन में और आपने पानी को बॉयल होने रख देना है और फिर आपने उसमें ये ऑयल का बाउल रख देना है और डबल बॉयलर प्रोसेस की हेल्प से इस ऑयल को हीट करना है। गाइस देखिए, अगर आप विदाउट हीट किए कोई सा भी हेयर ऑयल यूज़ करते हैं तो आपको उसके 80% बेनिफिट्स ही मिलेंगे, लेकिन अगर आप हीट करके उसको यूज़ करेंगे तो आपको उसके 100% बेनिफिट्स मिलेंगे। देखिए होता क्या है, जब आप हीट करके यूज़ करते हैं ना, आपके बालों की जो सारी जो पोर्स हैं वो क्लोज हो रखे होते हैं, वो ओपन हो जाते हैं, ऑयल आपके बालों में डीपली जा पाता है, जिससे आपके हेयर फॉलिकल्स स्ट्रॉन्ग होते हैं और आपकी हेयर ग्रोथ बूस्ट होती है, ठीक है। और अगर आपको बहुत सीवियर वाला हेयर फॉल हो रहा है ना, तो आपको डेफिनेटली इसको हीट करके ही यूज़ करना है। अब आपने इसको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए पहले आपने क्या करना है, अपने बालों को अच्छे से कोम कर लेना है, बड़े दांतों वाले कोम से कोम करना है, मैं हमेशा बोलती हूँ आपको। फिर आपने कोम कर लिया, उसके बाद आपने फिंगर्स पे ऑयल लेना है और आपने अपने बालों को अच्छे से 2 सेक्शन में डिवाइड कर लेना है। फिर आपने हल्के हल्के से मालिश करते हुए, मसाज करते हुए अपनी स्कैल्प पे ये ऑयल अप्लाई करना है, ठीक है। गाइस, अगर आपको हेयर फॉल बहुत ज़्यादा है तो आपने बहुत ज़्यादा मालिश नहीं करनी है, बहुत मसाज आपने अपने बालों को, अपनी स्कैल्प को नहीं देनी है, ठीक है। ये चीज़ आपने हमेशा, अगर आपको हेयर फॉल हो रहा होता है ना, तो आपने ध्यान रखनी चाहिए कि आपने ना बालों पे कोई प्रेशर नहीं देना है, स्कैल्प पे कोई प्रेशर नहीं देना है, बस आपने हल्के हल्के से ना ऑयल रख देना है, ऐसे ही वो इजीली अंदर चला जाएगा, आपके फॉलिकल्स में इजीली चला जाएगा। तो आपको उसे घस घस के मालिश नहीं करनी है, ठीक है। और आपको ऑयल करने के बाद कोम नहीं करना चाहिए अगर आपको बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है तो, या फिर गाइस आपको हेयर फॉल होता है कोम करने के बाद, तो आप कोम मत कीजिए, आप ना ऑयल लगाइए, बस हल्के से आप बन बना लीजिए, चोटी कर लीजिए, दैट्स इट। तो कुछ इस तरीके से आपने ये मैजिकल ऑयल प्रिपेयर करना है, अप्लाई करना है और आपको इसे वीक में 2-3 टाइम यूज़ करना है, अगर आपको बहुत सीवियर वाला हेयर फॉल हो रहा है या फिर आप चाहते हैं कि आपका हेयर ग्रोथ बहुत फास्ट हो जाए, तो आपको इसको 2-3 टाइम यूज़ करना है। गाइस ट्रस्ट मी, पहले मेरा हेयर का लेंथ इतना नहीं था, अगर मेरे पास कोई पुराना फोटो होगा तो आप देख लीजिएगा, इतना मेरा हेयर का लेंथ नहीं था, लेकिन जब से मैंने इन ऑयल्स को अप्लाई करना स्टार्ट किया है, मैं इससे काफ़ी सेटिस्फाई हूँ, इसीलिए मैं ये चीज़ आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ठीक है। एक चीज़ ना मैं यहाँ पे बॉयज़ के लिए बोलना चाहूँगी स्पेशली, कि ना अगर आपको ये ऑयल यूज़ करते करते 7 डेज हो गए हैं और आपको लग रहा है कि हाँ सच में आपका हेयर फॉल कंट्रोल हो रहा है, जो कि डेफिनेटली होगा ही होगा, तो आपने ना सारे ऑयल्स की क्वांटिटी को इक्वल रखना है। कैस्टर ऑयल की क्वांटिटी थोड़ी कम रखनी है, कोकोनट ऑयल की थोड़ी ज़्यादा रखनी है, तो इसको ना मिक्स करके आपने कांच के कंटेनर में डाल के रख लेना है, क्योंकि ना डेली डेली तो आप इसको बाउल में डाल के लगा नहीं सकते ना, तो आप एक शीशी में इसको भर के रख लीजिए, फिर जब भी आप हेयर वॉश कर रहे हैं उसके बाद इसको अप्लाई कर लीजिए, और रात को सोने से पहले अगर आप इसको अप्लाई करेंगे तो ये आपके लिए और भी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। सो ठीक है गाइस, आई नो आज का वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, लेकिन काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, आप ये चीज़ यूज़ कीजिएगा और यूज़ करने के बाद ना अपना रिजल्ट मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। सो ठीक है गाइस, वीडियो मैं यहाँ पे एंड कर रही हूँ, आई जस्ट होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, वीडियो अच्छा लगा हो एक लाइक कर दीजिएगा, न्यू है
चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे मैं आपके साथ बहुत अच्छे अच्छे वीडियो शेयर करने वाली हूँ, और ना अगर आप चाहते हैं किसी टॉपिक पे वीडियो मैं आपके लिए बनाऊँ तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, सो मिलती हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहिए, ख्याल रखिए।